अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से कॉपीराइट फ्री वीडियोस अपनी वीडियो के लिए या कोई भी काम जिसमें आपको वीडियो की जरूरत पड़ती है, आप किस तरह से उन वीडियोस को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि यूट्यूब कॉपीराइट होता क्या है। तो अभी हम चलते हैं यूट्यूब की ही वेबसाइट पे और देखते हैं कि कॉपीराइट यूट्यूब होता क्या है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि कॉपीराइट यूट्यूब ये है क्या। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं और ये सर्च करने के बाद यहाँ से जो फर्स्ट वेबसाइट है www.youtube.com इसकी हम पॉलिसीज़ को ओपन कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं लेकिन हम YouTube की जो अपनी वेबसाइट है उससे जो है वो चेक करते हैं। ये देखें कॉपीराइट आ गया और उसके बाद द फर्स्ट रूल ऑफ कॉपीराइट, इसको हमने थोड़ा स्टडी करना है। यहाँ से क्रिएटर शुड ओनली अपलोड वीडियो दैट दे हैव मेड, यानी क्रिएटर वही वीडियो अपलोड कर सकता है जो खुद बनाता है। आर दैट दे आर ऑथराइज टू यूज़, या ऑथराइज है उसको यूज़ करना, यानी किसी से परचेज किया हुआ है, कुछ पेमेंट की हुई है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको ऑथराइज हो कि आप ये वीडियो आप जो है हमारी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटर ऐसे आते हैं जो वीडियोज़ को खरीद नहीं पाते, अब उनको यूज़ भी करना होती है, उसके लिए क्या करना होता है। उसके लिए मैं अभी आपको जो है ना वो दो ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जिनसे आप जो वीडियोज़ डाउनलोड करेंगे उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ना वो आपको 99% चांस होते हैं कि आपको नहीं आएगा। तो पहली जो वेबसाइट है वो उसका नाम है पिक्साबे। हम इसको जो है ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अभी हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा ख्याल रखना है। तो मैं ज़्यादातर जो वीडियोस और जो फोटोज़ वगैरह जो इस्तेमाल करता हूँ, खासकर फोटोज़, तो मैं पिक्साबे का इस्तेमाल करता हूँ। अब दूसरी वेबसाइट जिससे मैं वीडियोज़ का इस्तेमाल करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इससे भी वीडियोज़ आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं। तो ये इंटरफेस आ जाएगा सामने। आपने यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से देखिए अगर फोटोज़ मिल जाती हैं, इलस्ट्रेशन है, वेक्टर है, वीडियोज़ हैं, तो आपने वीडियोज़ वाला ऑप्शन जो है इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर फर्ज कर लें, मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब इंट्रो। अभी आपने क्या करना है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसमें मैं तरीका बताऊँगा ताकि आप कॉपीराइट स्ट्राइक से जो है ना वो स्ट्राइक तो नहीं आता, कॉपीराइट क्लेम जो है ना वो आ सकता है। तो ये आपके सामने जो है ना कुछ वीडियोस आ गई हैं। अब इसमें टॉप पे ये वाली जो वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं इनको आपने इग्नोर कर देना है। अब नीचे आ जाएंगे, ये देखें यहाँ पे इंट्रोस वगैरह मौजूद हैं। तो अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस फर्स्ट वाली सब्सक्राइब वाली वीडियो को, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से जो चेक करने वाली बात है वो कौन सी है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ फ्री डाउनलोड, लेकिन पिक्साबे लेसन्स आपने इसको ज़रूर चेक करना। ये देखिए फ्री टू यूज़ अंडर द पिक्साबे लेसन्स नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, यानी इसको इस वीडियो की आपको एट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी आपको लिंक इसका जो है ना अपने वीडियो पे या जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको नहीं आएगा। इस चीज़ का जो है ना आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर इसमें देखें तो काफ़ी सारी और जो है ना इंट्रोज मिल जाते हैं जिनको आप बारी बारी इसी तरीके से जो है वो चेक कर सकते हैं कि फ्री टू यूज़ लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी। एक तो ये वेबसाइट हो गई पिक्साबे। अब एक और मैं वेबसाइट आपको बताता हूँ जिससे मैं वीडियोज़ वगैरह लेता हूँ, इसका नाम है पिक्सेल्स। ये वाली वेबसाइट, इससे वीडियोस काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पे स्टॉक पिक्साबे की निस्बत कुछ ज़्यादा है। आपने क्या करना है पिक्सेल्स पे जो है वो क्लिक कर लेना है और इस तरह का आपके सामने जो है वो इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये आप अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक आ जाएगा ये एक्सप्लोर का। आपने क्या करना है पॉपुलर सर्च, अगर एक्सप्लोर पर आप जाते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सप्लोर का, डिस्कवर फोटोज़, पॉपुलर सर्च और लीडर बोर्ड और चैलेंज फ्री वीडियोस, पिक्सेल ब्लॉग्स, ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ से मिल जाते हैं। तो अभी हम चूंकि जो है ना वो वीडियोस के रिलेटेड देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे वीडियोस, फ्री वीडियोस, ये हमने सर्च कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे वीडियो, जैसे आप फर्ज कर लें कि आपको किसी वो ब्यूटीफुल सीन की पिक चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे नेचर, लिख देते हैं यहाँ से नेचर सीन ये, और मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब इसमें भी आप लोगों ने कुछ चीज़ों का जो है ना वो ध्यान रखना है। अब ये देखें सीन की बेशुमार हमारे पास वीडियोस आ गई हैं जिनको आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चलें इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से और ये वीडियो हमारे पास ओपन होके आ गई है। अब चलें मैं फ़िलहाल इसको जो है ना वो स्टॉप करता हूँ और ये देखें फ्री डाउनलोड, यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ है कि फ्री डाउनलोड। और लाइक्स किसको कितने मिले हैं, 1.1K लाइक्स मिले हैं। और ये देखें
आप इस पे फ्री डाउनलोड पे ऑप्शन, फ्री डाउनलोड के ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे SD ये डिफरेंट जो है ना वो रेशो दी गई हैं, फुल HD में करना चाहें और नीचे ये 4K में करना चाहें, ये सारे साइज आपको यहाँ से दिए गए हैं। जिस साइज में आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहें यहाँ से आपने पहले साइज को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है फिल्टर का, यानी आप यहाँ से फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं ऑल ओरिएंटेशन। इस पे क्लिक करेंगे, हॉरिजेंटल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, स्क्वायर शक्ल में चाहिए, क्योंकि हॉरिजेंटल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हॉरिजेंटल होता क्या है, जैसे यूट्यूब में आप वीडियो देखते हैं ना, ज्यादातर जो लॉन्ग वीडियो होती है वो हॉरिजेंटल साइज में होती है। और वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल में आपने सीधी जो जैसे रील्स वगैरह आपने देखी होंगी वर्टिकल, ये वीडियो चलिए मैं आप लोगों को वर्टिकल शेप दिखा देता हूँ। यहाँ से वर्टिकल में आपके पास कुछ इस टाइप की जो है वो वीडियोस आ जाती हैं। हम बैक चलते हैं अभी। और इसके अलावा जो है ना आपको फिल्टर में क्या मिल जाता है, यहाँ पे ऑल साइजेस लिखा हुआ है, यहाँ से आप लार्ज साइज, मीडियम, स्मॉल जो सिलेक्ट करना चाहें। जैसे ये ऑल साइजेस है, मैं आप इसको लार्ज पे क्लिक करता हूँ तो इसमें आप हमारे पास जो साइज आएंगे वो लार्ज में जो है वो हमारे पास वीडियोज आ जाएंगी। इसी तरह मीडियम पे जो आप यहाँ से ट्राई करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लोग देखें इसका स्टॉक कितना है, 48.4K, ये 48,000 से ज़ायद जो है वो वीडियोज़ यहाँ पे मौजूद है। और फोटो जो है ना वो 199.3K फोटोज जो है ना इनकी इस टॉपिक पे मौजूद है, यानी एक बहुत बड़ा स्टॉक है, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो वेबसाइट थी जिनसे आप वीडियोस को अपने यूट्यूब के लिए या आप ब्लॉग बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं जिसमें आपको वीडियोज या फोटो की जरूरत होती है, तो आप इन दो वेबसाइट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें 99% चांस ये होते हैं कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो नहीं दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।